देखते हैं आज क्या पक रहा है किचनोपीडिया में। आज हम यहाँ बना रहे हैं बेसन की बर्फी, जिसको बनाने के लिए ज्यादा चीजें भी नहीं चाहिए, सब कुछ घर में ही मिल जाता है। लगभग 1 किलो बर्फी बनाने के लिए बस 2 कप बेसन चाहिए। पहले बेसन को एक छन्नी से छान लें। और गैस पे एक कढ़ाई रख के 1 कप घी कढ़ाई में डाल लें। अब इसमें छना हुआ बेसन डाल लें और बेसन को लगातार चलाते रहें। गैस लो में रखें, हमने बेसन को लो गैस में ही भूनना है। जब बेसन घी में धीरे धीरे भुनेगा तो इसमें से गजब की खुशबू आएगी, वरना अगर गैस हाई पे रही तो बेसन जल जाएगा और बर्फी सॉफ्ट भी नहीं बनेगी। शुरू में ये थोड़ा टाइट लगता है, पर जैसे धीरे धीरे बेसन गर्म होता है तो ये घी छोड़ना शुरू कर देता है। अब बेसन कितना हल्का हो गया है देखिए, और इसमें से खुशबू भी लाजवाब आ रही है। अब ये जल्दी से भून भी जाएगा। ये थोड़ा गोल्डन हो गया है। अब गैस बंद कर देते हैं, थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देते हैं और हम इसके लिए शुगर सिरप बना लेते हैं। एक पैन लेके 1/3 कप पानी डाल लें और ऊपर से 1 कप चीनी डाल लें। वैसे तो लोग जब सुनते हैं कि 1 या 2 तार की चाशनी बनानी है तो बर्फी बनाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर लेते हैं, पर आप तार वार के चक्कर में मत पड़िए, बस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चलिए। 1 कप चीनी और 1/3 कप पानी एक बार उबालना है और आपकी एकदम सही मेजरमेंट वाली चाशनी बन जाएगी। इसमें थोड़ा इलायची का पाउडर डाल लीजिए और 3-4 बूंदे सनसेट येलो या ऑरेंज कलर की भी डाल लें। कलर नहीं है तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, टेस्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब चाशनी बन गई है तो गैस बंद कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए चाशनी को ऐसे ही रहने देते हैं। और आइए तब तक हम एक ट्रे लेके ग्रीस कर लेते हैं। अब बेसन भी ज्यादा गर्म नहीं है और चाशनी के बबल्स भी बैठ गए हैं, तो बेसन में चाशनी मिला लेते हैं। इसको धीरे धीरे अच्छी तरह से मिलाइए। और ऊपर से 2 चम्मच घी के मिला लें। इसको ट्रे में डाल लीजिए। थोड़ा टैप करके बबल निकाल लें। ऊपर से अगर ड्राई फ्रूट्स लगाने हैं तो लगा लीजिए या वैसे ही ऊपर से डाल लीजिए। और अब इसको रूम टेम्परेचर में 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने दें। बर्फी तो बिल्कुल रेडी है, इसके पीसेस कर लेते हैं। तो जल्दी से ट्राई कीजिए, बस आपको बेसन भूनने में थोड़ा ध्यान देना है
और मेजरमेंट्स एग्जैक्ट रखिए और इस रेसिपी को एक लाइक भी दे दीजिए। तोड़ के देखिए जरा, एकदम सॉफ्ट है अंदर से। खुशबू जबरदस्त है इसकी और टेस्ट एकदम सही। देखते रहिए किचनोपीडिया। थैंक यू फ्रेंड्स।